और इस वक्त हिंदुस्तान लाइव की टीम आप लोगों को लेकर पहुंची है फतेहपुर बेरी के नजदीक सतबड़ी, एक गांव है यहां पर खड़क, यहां हम लोग पहुंचे हैं। और आप लोगों को एक मरतबा फिर से, जैसे पिछले साल आपने देखा था किस तरह से एक पूरी भरी हुई बस्ती आबादी का पूरा इलाका खोरी गांव फरीदाबाद का जमींदोज कर दिया गया था, हजारों आशियाने उजाड़ दिए गए थे, सब कुछ तबाह कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह राजधानी दिल्ली का और कहूंगा कि सबसे पॉश इलाका साउथ दिल्ली का अगर आप देखें तो ये खड़क गांव है, जहां की तस्वीर कुछ इस तरह की है कि लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और जो मेहनत के साथ जो कमाई थी, जो पूरी तरीके से लोगों की एक एक तिनका तिनका जोड़ करके बनाए हुए आशियाने थे, वो सब खत्म हो गए, तबाह हो गए। और पिछले लगभग 2 हफ्ते से इसी तरीके से बच्चे, बड़े, बूढ़े, बीमार, सब तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सभी, बस ये कहूँगा कि बेहद मजबूरी में, परेशानी में, बेबसी के आलम में जीने को मजबूर ये लोग। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि इन्हीं मलबे के ढेर पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और सिसक रही हैं जिंदगियां जो खुले आसमान के नीचे पिछले 15 दिन से ज्यादा ऐसे ही हो गए। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपने घर के बाहर खड़े हैं और अनऑथराइज कह करके बुलडोजर चला दिया गया, पूरी तरीके से इनके घर को, इनके आशियानों को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान लाइव पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है इस बस्ती के इस हिस्से को। चाहूंगा कि आप लोग जो जिसका मकान जहां है वो वहीं पहुंच जाए, बजाय इसके कि यहां पर सब लोग एक साथ बात करें। ये आगे की तरफ अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ये घर, इसके बराबर में दूसरा घर, इसके बराबर में तीसरा घर पक्के बने हुए, ये कोई बस्तियां नहीं, झुग्गी बस्ती नहीं है, बल्कि ये कॉन्क्रीट के, सीमेंट के लेंटर और गार्टर्स के बने हुए मकान हैं जो सब खत्म हो चुके। मैं आपको दिखा दूं, हर तरफ इसी तरीके के हालात हैं। अब सवाल फिर वो ही करूंगा कि बसाते ही क्यों हो जब उजाड़ते हो तुम, बसाते ही क्यों हो जब उजाड़ते हो तुम, और बनाते ही क्यों हो जब बिगाड़ते हो तुम। इस तरीके के हालात हैं, पूरा आसमान खुला है और खुले आसमान के नीचे ये परिवार बैठा है, उम्मीद के साथ कि शायद दोबारा से बन जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिस जगह को तोड़ के गए हैं, शासन को, प्रशासन को कुछ रहम आ जाए, फिर से हमें हमारा घर मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल है। ये पक्के बने हुए मकान थे जो पूरी तरह से खत्म हो चुके। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीर इस वक्त खड़क गांव की, इसको क्या कहूँ, किस तरह से कहूँ, कैसे हालात हैं और कैसी मजबूरी के अंदर ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं। इन्हीं से बात करता हूँ, बहुत सी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बात करना चाहते हैं। उस वक्त की तस्वीर एक ये भी बता दूं आपको, जब 21 अक्टूबर को यहाँ बुलडोजर लाए गए थे तब कई लोग घरों में सोए हुए थे, उन्हें मालूम ही नहीं था, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल को चले गए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि किस तरह से घर उनका, आशियाना उनका उजाड़ दिया जाएगा। खड़क गांव की यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ ये आप आते हुए बाइक को देख रहे हैं, जहाँ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ी हुई हैं। अम्मा जी आपका कौन सा घर था? यही था। कितने टाइम से थी आप यहाँ? मैं 2001 से आई थी। 22 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, और अब मेरा घर तोड़ दिया। 22 साल में जो है बिजली का बिल भी नहीं था, यहाँ खम्भे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ। और आज मेरा घर आके तोड़ दिया, बेमतलब के, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, नुई नहीं है, फलाना नहीं है। जब तो सब कह रहे कि क्या नाम है, ये पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब ये पक्का दिल्ली में रह रहे हैं हम, केजरीवाल सर को ये होना चाहिए कि हमारी आगे सहायता करे कुछ, तो हमने वोट इसीलिए दी।
फिर आज तक थोड़ी ना रह रहे, आज से नहीं रह रहे हम, बहुत दिन हो गए हम रहते रहते, हमारे ऊपर के नीचे के कहाँ, हम बहुओं को लेके जा, कहाँ बच्चों को लेके जा, किसके घर बैठे हम जाके कहाँ लेके जाए इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मासूम। मेरा बेटा यहाँ थोड़ा छोटा सा होटल खोल रहा, आपने गुजारा कर रहा है यहाँ पे, वो होटल भी बंद हो गया, सब तोड़ दिया ऊपर से नीचे तक। किसी को सामान, किस तरह से अपनी आप बीती, अपना दर्द ये बयान कर रही हैं, सामान तक निकालने नहीं दिया इसी में। हाँ, क्या कह रही हैं आप? सामान लेकर दिया, आए एकदम तारे लगे घर पर, बिल्डोजर चला दिया ना, बिस्तर विस्तर सब बच्चन के काकत गायब है गए, भाई में सारा सब दबको काकत है। आता थोड़ी ना रहे, 40 साल तक आदमी रह रहा है, जब से कहा गई सरकार जब पानी दे रही है, लाइट दे रही है, क्यों दही पानी लाइट काकत है, पानी लाइट ना मिलते तो कोई खरीदता ही ना जगह। बिल्कुल, एक बहुत बुनियादी सवाल है, जैसे ये महिलाएं कर रही हैं कि यहाँ पर पानी के कनेक्शन हैं, बिजली के मीटर हैं, अभी भी देखिए मैं आपको दिखा दूं, सरकारी तौर पर ये बोर वगैरह कराया गया है, तो क्यों कराया है, यानी जहाँ लोग रहते हैं उसी जगह तो ये बोरिंग वगैरह कराई जाती है, आखिर क्यों कराई थी? मैं देख पा रहा हूँ ये बाकायदा इस बोरिंग में से थोड़ा सा हटिए, यहाँ से ये पाइप जा रहा है, इनके घरों को कनेक्शन दिए हुए हैं, बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, इनके वोटर आई कार्ड्स बने हुए हैं, और पूरी बस्ती को उजड़े हुए अगर आप देखेंगे, मैं एक पैन शॉट आपको दिखाना चाहता हूं, तो ऐसे लगेगा कि जैसे यहां पर कोई बमबारी की गई है या कोई मिसाइल गिराए गए हैं, और जगह जगह मकानों के ये बचे हुए अवशेष और इसी तरीके के हालात, पूरी की पूरी बस्ती को ऐसे ही तबाह कर दिया गया, जहां पर ये बैठे हुए इस वक्त लोग रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि हमें हमारा घर, हमारा आशियाना तो लौटा दो। आपका कौन सा घर था? यही है, यही घर है, अभी जो नव आए तो कुछ भी नहीं बचा, सारे यहाँ से वहाँ तक सारे गिरा दिए। हाँ, क्या नाम, सारे गिरा दिया, और बच्चे पढ़ने गए थे उनको भी नहीं घर से लाने दिया, ना घर से कोई सामान निकालने दिया, यही पे सब हमारे साथ दब गए। अब आप जहाँ बैठी है ये इतना खतरनाक है, बल्कि यहाँ से आपको हटना चाहिए, अगर गिरा गया पूरा लेंटर सर पर आ पड़ेगा बहन जी। भैया कहाँ जाए, हमारे पास तो घर भी नहीं है ना, कहाँ जाए, ये रोड पे बैठे हैं, यही पे बना खा रहे हैं, यही पे पड़े हैं ठंडी में बच्चों को लेके, खुले में कहाँ जाए, खुले में ही पड़े हैं, अब कहाँ जाए, इतने पैसे भी नहीं है, हम कहीं रेंट पे ले ले, फिर कहाँ बच्चों को लेके कहाँ जाए, हम इतने अमीर होते कहीं और न लेते, यहाँ पे क्यों बसते हैं। इसी तरह इंसानों को भी एक बम फेंक के मार दिए होते, कहानी खत्म हो जाती, जैसा घर गिरा दिया वैसे इंसानों को भी एकदम बोल रहे थे कि सब इंसान भी मर जाते हैं, क्या करें, हम सब पूरी जिंदगी कमाया, दो पैसे जिंदगी कमाया, अब कहां जाए, अब ये कह रहे हैं यहां पे ऐसा। बिल्कुल यही बार बार कह रहा हूं, इन गरीबों ने अपनी तमाम जिंदगी की गाड़ी कमाई और तिनका तिनका जोड़कर इन आशियानों को बनाया था, कभी कभी सोचा नहीं था कि जिस मेहनत की कमाई से ये लोग घर बनाएंगे, अपने इन आशियानों को बनाएंगे, वहाँ अचानक से अच्छे दिनों वाला बुलडोजर पहुँचेगा, ना तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार बचा पाएगी, ना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बचा पाएगी, पता नहीं आदेश किसका था, लेकिन यहाँ पर इनसे कहा गया कि ये कोर्ट के आदेश से हम आए हैं, और आकर के DDA की तरफ से कार्रवाई की गई है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है, और उसके बाद इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जी क्या कह रही हैं आप? हमारे यहाँ विधायक आए, उनको भी ना कोई नोटिस दिखाया गया, ना कुछ ऐसे सीधा बुलडोजर लगाया गया, ना कुछ करने दिया, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, और बस बुलडोजर लगाया और गिराया। तूफान की तरह आते हैं, किसी की बात न सुनते हैं, ना कुछ करते हैं, अचानक से हमला कर देते हैं, किसी को सामान कोई नहीं निकालने दिया, आप जैसे देख सकते हैं अभी सामान तक निकालने नहीं दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग हट जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल अधर है। आपको दिखा दूं थोड़ा सा एक शॉट इस वक्त में, कि जिस तरह ये महिलाएं बैठी हुई हैं, पूरी तरीके से ये अधर लटका हुआ है, जब बुलडोज किया गया इनके मकान को उस वक्त से लेकर अब तक सामान तक अंदर दबा हुआ है, लेकिन महिलाएं इसी के नीचे बैठी हुई हैं। आप देखिए पूरा लेंटर जो है वो इधर से अधर लटक गया, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है ये बस्ती, और मुझे देखकर वही याद आता है जिस तरीके से सिसकती हुई उन जिंदगियों को और दर्द में कराहती हुई उन महिलाओं को, उन बच्चों को, जैसा आपको फरीदाबाद में जहां खोरी गांव का दिखाया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यही हालात दिखाई दे रहे हैं। आप इन छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को, इन भारत के भविष्यों को देखिए तो सही जरा, उस वक्त में बच्चे थे नहीं, अपने स्कूल्स के लिए गए हुए थे, और जब लौट करके आए हैं तो पाया कि इनका घर ही बाकी नहीं बचा,
जहाँ इनके खिलौने रखे हुए थे, जहाँ इन बच्चों की किताबें, जहाँ इन बच्चों के कपड़े थे, उन अलमारियों तक के अंदर सब कुछ पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। देखिए तो सही जरा सामने की तरफ इस तस्वीर को देखिए तो सही जरा सामने किस तरह से पूरी तरह बेड, अलमारी सब कुछ टूट गया और मकान ये सब अधर लटक गए। ये गीजर लगा हुआ टंकी के पास दिख रहा है, शायद किसी का बाथरूम होगा। इधर की तरफ दिखाई दे रहा कुछ सामान, चूल्हा वगैरह पीछे, तो शायद ये किसी का कभी किचन होगा। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। सीमा, कितने टाइम से आप यहाँ थी? सर 2005 से पहले के हम यहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये तो अच्छा खासा टाइम हो गया, 16-17 साल। जी सर। सर ना कुछ बता के आए हैं, ना कुछ नोटिस है। हमने नोटिस भी मांगा सर, ऊपर से पुलिस वालों ने इतनी बदतमीजी करी, लाठी चार्ज तक करे हैं उन्होंने, और ऐसे घर से बेघर करा है कि आज हम रोड पे आके बैठे हुए हैं। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या है, इनकी इन्होंने क्या करा जो इनसे इनके घर छीन लिए। ये गलती है कि हम अपने गाँव से घर बार छोड़ के आए इनकी शिक्षा के लिए। ये सरकार हमें शिक्षा दिलवाने के लिए ये सब कुछ कर रही है क्या? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमें भी हमारी गलती का कुछ बताया जाए, हमने क्या गलती करी अपने बच्चों की खातिर आए। सरकार ने बोल रखा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए, ये शिक्षा हमारी आज सर 15-20 दिन हो चुके हैं, हमारे बच्चों ने स्कूल के मुंह नहीं देखे हुए हैं कि क्या कौन सी पढ़ाई हो रही कौन सी नहीं हो रही है। आज बेघर होके बैठे हुए हैं सर हम, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ रोड पे, और ना कोई नेता पूछने आ रहा है, कोई हमें पूछने भी नहीं आ रहा कुछ खा रहे हैं बच्चे, कैसे रह रहे हैं, और ऊपर से ठंड और आ रही है। सर हमें सरकार से ये है कि अगर हमें घर से बेघर करना था तो हमें ये सुविधाएं क्यों दी सर? बिजली के बिल क्यों इन्होंने मीटर लगाए सर? इन्होंने आधार कार्ड या इस एड्रेस का क्यों बनवाया? और सर इन्होंने सब कुछ वोटर आईडी कर सब कुछ हमारा इसी एड्रेस का है। अगर ये अनलीगल जमीन थी सर, उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं बताया हमें? जिस टाइम पहला वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए गया उसी टाइम इन्हें बताना चाहिए था कि ये अनलीगल जमीन है, यहाँ इस एड्रेस से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा। सर 2004 से पहले से हमारे यहाँ के सबके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ इसी एड्रेस का है। हमें सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि हमें किस बात की सजा दी गई है, ये फिगर बताएं। नेताओं को वोट देती आई? जी सर, जी सर। और नेता भी सर हर साल वोट के टाइम पे हाथ जोड़ने के लिए आते हैं। और सर कुछ लोग जो कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या मुस्लिम के साथ हम हिंदू भी तो रह रहे थे वहाँ यहाँ पे? सर ये क्यों ऐसे हमारे साथ अन्याय करा गया है? अगर मुस्लिमों को करना था तो उस वोट लेने से पहले ये पूछना चाहिए उन्हें मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, उस टाइम पे भी इन्हें अलग अलग वोट लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सुना आपने इस बहन की इस वक्त आवाज और इनका इस दर्द को। इन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के नाम पर किया गया, इस बस्ती को खत्म किया गया, लेकिन ये कह रही हैं कि इनके बीच में रह रहे हम हिंदू भी तो हैं। कितनी बड़ी बात है, जिस वक्त वोट लेने आते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट का यानी संसद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, या अब आने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव हो MCD का, हाथ जोड़ते हुए भिखारियों की तरह से नेता आते हैं, देखा है ना? और इन्हीं लोगों की वोटों के मोहताज होते हैं, यही लोग हैं जो उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाते हैं, यही लोग हैं जो उन्हें तख्त ताज तक दिलाते हैं। और आज ये बहन सवाल कर रही है कि हमने जिस वक्त में वोट दिया था तब ये हमसे नहीं कहा गया था कि ये हिंदू की बस्ती के मुसलमान की, यहाँ इस बस्ती में सभी बसते हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। लेकिन जिस तरह से ये कह रही हैं कि अगर हिंदू हम हैं तो हमारे साथ फिर अन्याय की बात कैसे, जब फिर मुसलमानों के घर गिराने की बात आ रही थी। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। इनका कहना है कि पिछले 15-16 दिन हो चुके इस बस्ती को इस वक्त उजड़े हुए, बच्चों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। कुछ मासूम बच्चे हैं इस वक्त मेरा देख करके लाइव यहाँ पर आ गए हैं। पूछना चाहता हूँ, आप लोग स्कूल गए अभी तक जब से घर टूटा है? हाँ सर। नहीं गए सर, पेपर चल रहे थे और बच्चों का जाना भी रुक गया, पेपरों में बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई सारी। ये सोचते हैं कि आप घर जाएंगे तो जो बच्चे, आप लोग जब टूट जाएगा। जब घर टूटा है ये, जब यहाँ बुलडोजर आया था उस वक्त में स्कूल गए हुए थे, जब वापिस आकर के देखा तब टूटा हुआ था। हाँ यस सर, स्कूल गए हुए थे। यस सर, आप लोगों की किताबें और आप लोगों के घर का सामान, आपके खिलौने वगैरह सब निकालने नहीं गए थे, टूट गए थे सारे, सब तोड़ दिया। हाँ। सब इसी मलबे में दब गया। सोचिए तो सही, इन छोटे छोटे बच्चों के, इनके हालात को देख करके अब कौन इनके अंदर ये फर्क करेगा, कम से कम सोचिए। और सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए
इस तरह की तस्वीरें देखकर वाकई दिल गमजदा होता है ये तमाम कि किस तरह से आंखों में आंसू लिए ये लोग आज खड़े हैं मलबे के इस ढेर पर और खुले आसमान में जी रहे हैं। ये देखिए आप जरा, छोटी छोटी बच्चियां हैं। बेहद ही दुख की बात है, रंज और गम की बात है। क्यों बसने दिया जाता है उस वक्त में जब ये कॉलोनी बन रही थी, जब लोग अपने घर बना रहे थे, तब तो यहाँ MCD के भी लोग आते होंगे, तब तो यहाँ पुलिस भी आई होगी, जब एक एक करके ये लेंटर बना करके बिल्डिंग बनी होगी, तो उस वक्त में आकर जाहिर सी बात है वही रिश्वत जिसकी रसीद नहीं होती इनसे लेकर के गए होंगे। उस वक्त में क्यों किसी को अनऑथराइज कॉलोनी नजर नहीं आई थी, उस वक्त क्यों किसी को नजर नहीं आया था कि ये तमाम इमारत गैर कानूनी बनाई जा रही है। मैं दिखाऊं आपको, एक और अम्मा यहाँ बैठी हैं, इस उम्मीद से कि कुछ पूछूंगा। क्या नाम है अम्मा आपका? रामवती वगैरह। रामवती जी, आपका ही मकान है? मेरा ही मकान है, सारा टूट फूट रह रही है, बच्चा बेघर रह रही है, सारा टूटवा दिया, ना घर के ना घाट के, और किसी को कोई नेता पूछने नहीं आया, कुछ नहीं आया, अब क्या करें, सारा सब कुछ इसी में रह गया है, रोड पे सो रहे हैं, घर का सामान सब इसी में ही, सब इसी में ही, बेड वगैरह सब चीज ऐसी लटक रही है। 15 दिन हो गए, कोई पूछने नहीं आ रहा है। हाँ। कोई पूछ नहीं रहा है खाने पीने। सर मुझे ये पूछना है, जब करतार जी आए थे तो ये अनलीगल तरीके से काम हो रहा था। करतार कौन है? करतार यहाँ के MLA है, आम आदमी पार्टी से। एक बात बताइए, MLA का तो ये ऑर्डर होता है ना कि वो अनलीगल या लीगल हर बात पे गौर करना चाहिए ना उन्हें। जो अनलीगल काम हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? इलीगल काम हो रहा था तो क्यों नहीं रोका? रोका? जाहिर सी बात है कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी, ये पूरी बस्ती खड़क गाँव की, साउथ दिल्ली के जहाँ करोड़ों में लोगों के यहाँ कोठियां बनी हुई हैं, बंगले बने हुए हैं, उसी जगह पर इन गरीबों ने जोर जोर करके आशियाने अपने बनाए थे। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए और 8 दिन में पूरी बस्ती बना दी गई थी, ऐसा नहीं है। बल्कि इसको बनने में, ये जैसे अम्मा बता रही हैं, किसी ने बताया कि कोई 15 साल से यहाँ है, किसी ने कहा कि कोई 17 साल से, किसी ने कहा कि वो 20 साल से यहाँ है। यानी आप सोच सकते हैं कि इतने इतने वक्त से लोग बनाते अपने घरों को रहते आ रहे हैं, उस वक्त में क्यों नहीं सोचा गया कि ये सब कुछ गैर कानूनी बन रहा है। जी सर, हमें एक बात और जाननी है, जब हम किसी को अपने इधर का नेता या कुछ चुनते हैं तो आम आदमी को हक तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो नेताओं को तो थोड़ा बहुत हक होता है, तो उन्हें क्यों नहीं बताया गया, या वो उनको पता था उन्होंने करवाया ये? बिल्कुल, हम तो यही सोचते हैं कि उन्होंने करवाया, उन्हें तो जवाब मिलना चाहिए ना। सर्दी का टाइम बस आने जा रहा है, सोचिए कि अब नवंबर की आज 6 तारीख हो गई है और खुले आसमान के नीचे ये लोग अब वक्त गुजारेंगे, अपने दिन और रात गुजारेंगे, और ऐसे में अगर बारिश की मेहरबानी हो गई तो इन लोगों को सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, इन मासूम बच्चों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी जहां ये अपने आप को छिपा सकें, जहां ये अपना तन ढक सके। ये जो हालात हैं, इतने क्यों आगे बढ़ गए? आप लोग कोर्ट वगैरह क्यों नहीं गए? कोर्ट हम जाते हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग, यही नेता, यही लोग मिले हुए, समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या सियासत है इन लोगों की, ये क्या करना चाहते हैं। जिस वक्त यहाँ डोमिनेशन हो रही थी तो मौके पे MLA साहब यहाँ आए और 1 मिनट रुके, और 1 मिनट के बाद में वो वापस हो गए, उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिखाया गया। हमने उनसे सवाल किया कि सर आप हमें बताओ, आप मौके के MLA हैं यहाँ, क्या आपकी इतनी भी पावर नहीं थी कि आप हमें इलाके के MLA हैं, इलाके के MLA हैं, और हमें आधा घंटे की मोहलत दी गई हुई होती, हमें आधा घंटे की मोहलत दिलवा देते जिससे कि हम अपनी जरूरत का सामान निकाल लेते, बच्चों का सामान निकाल लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बस में कुछ नहीं है, मैंने कोशिश की, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना था। कहा जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने कोशिश की बस। ये मैं आपको दिखा दूं, छोटे बच्चों की ये वॉकर है और एक साइकिल है, नहीं निकाल सके। किस तरह से जिंदगियां दम तोड़ती हैं यहाँ, आप सोचिए तो सही जरा। पूरा का पूरा मकान बुलडोज कर दिया, ये बच्चे की साइकिल थी सब तोड़ दी, और ये सामान अधर में लटका हुआ भी हमको दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ चलें, ये मकान किसका है ये दिखा दूं आपको, तमाम गाटर्स वगैरह देखिए, तो देखिए किस तरह से पूरी बेंट हो गए, बुलडोजर जब चलाया होगा तब उस वक्त क्या हालत रही होगी। आगे की तरफ तक
थोड़ा हटिए बेटे। बहुत ही दुखद ये खबर है और इस तरह से तोड़ दिया जाता है। लोग जनता मजबूर हो जाती है जब पुलिस फोर्स और साथ में पैरामिलिट्री के बंदूकधारी जवान नजर आते हैं, तो ये आवाम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अपने घर को बचा तक नहीं पाते। आप सोचिए ना कि एक घर को एक इंसान कितनी मेहनत के साथ बनाता है, उसमें कितने उसके सपने होते हैं, उसके बीवी बच्चे और आगे तक चलने वाली उसकी नस्लों के ख्वाब होते हैं। लेकिन जिस वक्त इनको गिराया जाता है, उस वक्त के हालात सोचिए कि इनके दिलों पर क्या गुजरती है। और किसी तरह से जैसे ये मकान का कुछ हिस्सा बच गया तो इसी में लोग वक्त गुजार रहे हैं। ये मकान जो बिल्कुल अधर कर गए हैं, सब कुछ तोड़ दिया है, तो अब इसी में सोचते हैं कि अपना बाकी का टाइम गुजारें। यहाँ के सांसद कौन है जी? सांसद यहाँ के रमेश भदौड़ी हैं। रमेश भदौड़ी हैं भाजपा से। यहाँ के एमएलए कौन हैं? करतार सिंह आम आदमी से। करतार सिंह आम आदमी से हैं। यहाँ के काउंसलर कौन रहे? राजेश संजय ठाकुर। संजय ठाकुर कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। कुल मिलाकर के भाजपा और आम आदमी का ही यहाँ पर खेल है। समझे अब आप लोग कि यहाँ के जो सांसद हैं वो इन्होंने बताया रमेश भदौड़ी हैं। अब कहाँ है रमेश भदौड़ी और क्यों नहीं बचाने आए फिर अब इनको? और कहाँ है करतार सिंह आम आदमी पार्टी से? इन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए। अब आने वाला जो टाइम है ना 4 तारीख का, 4 तारीख को फिर से चुनाव होगा दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। क्या ये लोग अब अपने जब तक घर नहीं बन जाएंगे वोट नहीं देंगे, या इनके जब मकान तैयार हो जाएंगे वोट देने तब जाएंगे? इन बच्चों से जरा पूछ के देखिए आकर के एक मर्तबा। आज ये अपने घरों को जो टूटे हुए देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या गुजर रही है? इन बच्चों की माओ से पूछिए, जहां से जहां इन बच्चों को पैदा किया उन माँ बाप ने, आज उनके घरों को तोड़ दिया गया, इनके सिरों से छतें छीन ली गई हैं। और नेताओं को शर्म नहीं आती, नहीं मरते चुल्लू भर पानी में डूब करके। जिस वक्त में वोट लेने आते हैं तो इन्हीं इनके एड्रेसेस का घर के यही पते होते हैं जो आज घर दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा हटिए आगे से, देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि ये एक खंडर बना दिया पूरी बस्ती को। और इसी जगह पर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस वक्त में यहाँ कहीं आए होंगे तो उन हालात में उन नेताओं को तब ये नजर नहीं आया होगा। जरा देखिए तो सही, इन्हीं एड्रेस के, इनके इन्हीं पतों के, जो आज खंडर के ढेर में तब्दील हो गया, यहीं के इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, यहीं के इनके वोटर आई कार्ड हैं, यहीं के इनके राशन कार्ड बने हुए हैं और तमाम सरकारी प्रूफ, यहाँ तक के पासपोर्ट्स तक बने हुए हैं। लेकिन अब ये कहें किससे, ये किससे अपने दुख को जाहिर करें? पूरी की पूरी बस्ती का ये हिस्सा सब तोड़ दिया गया है। यही हैं अच्छे दिन इन लोगों के, इन बस्ती वालों के, खड़क गांव के रहने वालों के, जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने इतने अरसे को यहाँ गुजार दिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे तो अभी हाल ही के पैदा हैं, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल का, कोई बिटिया है 10 साल की। लेकिन जो बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि हम 25 साल से हैं, कोई कहता है हम 30 साल से हैं, किसी ने कहा कि मैं यहाँ पर 17 साल से हूँ, कोई कहता है कि मैं 20 साल से हूँ। आप सोचिए ना कि पूरी की पूरी जनरेशन यहाँ से चल रही है, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर है जो जगह जगह तमाम इमारतों में नजर आ रहा है। यहाँ पर बता रहे हैं 2 बच्चे भी खत्म हो गए। जिस दिन यहाँ डेमोलिशन करने आए हैं उस दिन एक गर्भवती महिला थी, उनके यहाँ डिलीवरी हुई थी। मैं चाहूंगा उनसे भी मैं बात करूं। ये मकान किसका है जरा इधर इधर आके बता दें मुझे। हाँ वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये घर किसका है? ये ये सामने घर किसका है? आप देखिए दीवारों के अंदर पूरी तरीके से घन चलाकर, बुलडोजर चला करके इसको गिरा दिया गया। क्या कहकर गिराया है भाई, आप बताइए अपने मकान के बारे में। पहले इधर आइए, क्या नाम है आपका? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिर अली है। शाकिर आगे आइए, डर क्यों रहे हैं? बताइए खुलकर। तो ये आपका इल्लीगल है, हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया कि आप जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। ना कोई न्यूज पे, ना हमें, हमने पूछा कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई नोटिस वगैरह, कोई नोटिस नहीं, आप बाहर जाइए। ठीक है, क्या कहा आपसे? ये आप निकलिए, इल्लीगल है। इसको आपका ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बना था? हाँ जी। सब तोड़ दिया? हाँ जी सब तोड़ दिया। क्या कहा? ये भैया इल्लीगल है, इल्लीगल है। हाँ।
आपके आपके पास तमाम चीज मौजूद है, सारी है मेरे पास, बिजली का कनेक्शन, बिल्कुल सब कुछ, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिल्कुल सब, इधर आइए पीछे, हाँ सब चीज मौजूद है इसी मकान की। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई? नहीं, कोई मदद नहीं मिली, किसी नेता ने कोई मदद नहीं करी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जीशान। जीशान यही रहते हैं जी? अच्छा, कहाँ थे आप जिस वक्त ये डेमोलिशन हो रहा था? यहीं पर थे सर। फिर यहाँ पर थे, हमें तो पुलिस वाले जैसे आए यहाँ से जाओ, और हम पीछे कर यहाँ पर आगे पूरी की पूरी बैरिकेड फोर्स से डरा दिया, मतलब फोर्स से डरा दिया गया है, और डंडे से अगर कोई भी यहाँ पर आएगा उस पर लाठी चार्ज दी जाएगी। दुकान में लाठी डंडा, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, और गले में थे पैसा निकाले, दुकान में थे फरूटी फरूटी पेप्सी सब। ओके, खूब निकाला है। कुछ लोग मुझे बता सके कोई कानूनी बात, अगर कोई आप में से कुछ लोग इस मसले को, इस मुकदमे को लड़ रहे हो, क्या कोई केस चल रहा था प्रॉपर्टी को बचाने के लिए? क्या नाम है आपका? बेटा आप लोग थोड़ा सा जाइए साइड हो जाइए, क्या नाम है आप? उमेद अली। उमेद अली, उमेद अली जरा मुझे बताइए, केस डाला हुआ है? किसने डाला है केस? सब लोगों ने मिलकर डाला है, एसोसिएशन RWA बनी हुई है यहाँ की। ओके, एसोसिएशन के नाम से केस डाला हुआ है, और उसमें 13 मार्च की डेट लगी हुई है। अच्छा, हम अभी कोर्ट गए थे 27 तारीख में, तो कोर्ट से हमें जवाब मिला कि टूटने के तो कोई ऑर्डर ही नहीं थे, फिर डेमोलिशन कैसे हो गई? थोड़ा सा आप लोग हटिए यहाँ से, हटिए भैया इधर हटिए। हाँ, डेमोलिशन कैसे हो गई बताइए आगे? कैसे हो गई? आप कोर्ट से तो कोई ऑर्डर नहीं है, तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही डेमोलिशन हुई। जब लोग यहाँ तोड़ने के लिए आए थे, फोर्स आई थी, तो उन्होंने, हमने उनसे नोटिस ही मांगा, तो उन्होंने नोटिस हमें नहीं दिखाया किसी को भी। क्या कहा आपसे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने काफी फोर्स थी, पब्लिक सब पीछे हटा दी और मकानों से सब लोगों को बाहर कर दिया। बाहर करके बस सीधा तोड़फोड़ शुरू कर दी, सभी का सामान मकानों में दबा हुआ है, किसी को सामान तक नहीं निकालने दिया, बिल्कुल सामान तक निकालने नहीं दिया। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिक्स आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके, एक गांव है जैसे कह रहा हूँ, खड़ा गांव है, और सब लोग मिलजुल करके आपस में रहते आए हैं। और आप सोचिए तो सही जरा, इस वक्त ये हालत कर दिए, रोटी खाना बनाने को इन लोगों के पास कोई जगह बाकी नहीं बची है, यहाँ तक कि इनके शौच के लिए, टॉयलेट्स के लिए तमाम हिस्सा तोड़ दिया, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई किसी के यहाँ जा रहा है, कोई किसी के यहाँ। ये देखिए पक्के मकान लेंटर के बने हुए हैं, पक्के घर, और एक महिला है जिसका बच्चा यहाँ पर हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ, वो नहीं है। हाँ, ये देखिए ये सब तोड़ दिया, C5x4। आपका क्या नाम है? संतोष नाम है। संतोष, संतोष कोई नहीं बचा पाया उस वक्त में जब ये अपनी कार्रवाई करने आ रहे थे? इसलिए बचा नहीं पाए क्योंकि मिलिट्री फोर्स वगैरह आई थी, उन्होंने, आप लोग सब पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं कैसे दिखाऊंगा, आप बताइए ना, हट जाइए, हाँ बताइए। मिलिट्री फोर्स आई थी, लाठी चार्ज करने लगी लोगों के ऊपर, महिलाएं जो थी वो अगर जबरदस्ती बाहर से, उन्होंने कुंडिया लगा दी थी, महिलाओं को बंद कर दिया था, तो महिलाओं ने घर का सामान तक निकालने के लिए रिक्वेस्ट करी, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी किसी की। यहाँ तक कि जो लेडीज थी उनकी डिलीवरी हुई थी, उनका न्यू बॉर्न बेबी था, उनके हार्ट में छेद था, उनको भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा सामान निकालने दो, इस डिप्रेशन के वजह से उनका बच्चा नेक्स्ट डे ही एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे इसी जगह पर, इसी जगह पर नेक्स्ट डे उसका बेबी एक्सपायर हो गया, जिसके हार्ट में छेद था, पर इतना डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत प्रॉब्लम थी उनके साथ। बस यही सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ये सारी चीजें करती है, बिजली बिल लगाती है, मीटर लगाती है, पानी के मीटर लगाती है, सब चीज करती है सरकार, जब सरकार को इलीगल चीजें नहीं, सरकारी डॉक्यूमेंट बना देते हैं ऑल ओवर। सर पासपोर्ट इज अ गवर्नमेंट का, भारत का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, वहाँ तक यहाँ के एरिया पे रजिस्टर्ड है, पासपोर्ट तक बना हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे हर सुविधा देती है, पानी लगाती है, बिजली बिल लगाती है, लेकिन सरकार को तब गैर कानूनी नहीं दिखती ये जगह? हाँ, जब यहाँ के नाम पे आधार कार्ड बनाया जाता है, सब चीज होता है, तब गैर कानूनी नहीं है। हाँ, लेकिन जब सरकार का मतलब खत्म हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी हो जाती है, ये MCD की हो जाती है, ये फलानी की हो जाती है। हाँ, उस टाइम ये कुछ नहीं दिखता सरकार। संतोष, इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ पर सरकार बनाना क्या चाहती है? आप लोगों को उजाड़ कर, आप लोगों के आशियानों को खत्म कर, ये पूरी बस्ती को निस्तनाबूद करके सरकार बनाना क्या चाहती है, इसके पीछे मंशा क्या है?
ये सर सरकार की मंशा है, सरकार का ही मन करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। बस लोगों के खून पसीने की कमाई होती है, जो लोग एक एक करके यहाँ पे जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, सरकार का मन करता है तो उन्हें बसाती है, सरकार का मन करता है उजाड़ती है। क्योंकि हमारे भारत के स्टेट की सरकार है, उनको जब कहीं भी दिखाई नहीं देता कि ये बिजली लगी है। अब मोदी जी को, केजरीवाल को कोई नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है ना? एविडेंस हमारा आधार कार्ड बना दिया, यहाँ पे रजिस्टर्ड आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, तब ये इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है। एक बात बताइए सर, आधार कार्ड जो होता है उसपे ओटीपी वेरीफाई होता है, एड्रेस वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट से होता है ना, आप तो जानते होंगे गवर्नमेंट से होता है, बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट को इलीगल दिखती नहीं है कि भाई ये तो डीडीए की प्रॉपर्टी है, इस पे आधार कार्ड कैसे बना दोगे आप, बिल्कुल, पासपोर्ट कैसे बना दोगे? हाँ संतोष, आपसे सवाल करूंगा मैं जरूर। ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए हैं, क्या नाम है आपका? नाम फिरदौस है। फिरदौस है, छोटे से बच्चे को लिए हुए हैं, क्या नाम है? संजीदा। संजीदा नाम है आपका? भावना। भावना, आप सोचिए, फिरदौस भी यहाँ खड़ी है, संजीदा भी यहाँ खड़ी है, भावना जी भी यहाँ खड़ी है, मनीषा भी यहाँ खड़ी है, आप सोचिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या किसी को तरस नहीं आ रहा? क्या किसी को एहसास नहीं हो रहा इस बात का कि कम से कम आकर के देखे तो सही, पूछे तो सही, कोई सरकारी मदद आए तो सही? लेकिन आती कहाँ से मदद? तो वो आई थी जो उन नेताओं के लिए, या मैं कहूंगा कि इसके पीछे की जो मंशा होगी इस जगह को, अब जो कल तक लीगल थी और आज इलीगल इसको बताया गया, ये तो मंशा वो ही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ बनाना क्या चाहते हैं। इनको उजाड़ करके, इनको खत्म करके और यहाँ बुलडोजर चला करके बनाना क्या चाहते हैं? हाँ, हमारे 2014 के राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट भी डाले हम यहाँ से, सारे प्रूफ हमारे यहीं के खरक के हैं। हमारे बच्चों की जन्म पत्री है, जो बच्चे सातवीं आठवीं पढ़ रहे हैं उनकी पैदाइश यहीं की है। तो फिर ये जब से सरकार कहाँ थी, जो अब नहीं है, अब आई है कि हम, और इतने दो दो तीन तीन मंजिल घर बने हैं और लेंटर के भर रहे हैं, तो जब से सरकार कहाँ गई, जो अब एकदम से आ गई। आप लोगों ने पैसा देकर खरीदा था? पैसा देकर खरीदा है हमने, गज के हिसाब से पैसे दिए सबको, और फिर बनाए तभी पैसे में ही बनाए हैं। अब सरकार की तो कोई आवाज नहीं है यहाँ, हमें तो कोई नहीं। मोदी ने भी बोला कि झुग्गी हटा के मकान बनाएंगे, केजरीवाल ने भी कही सरकार में। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, याद आ गया होगा आपको भी इस बहन का, इस वक्त का वो कहना जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, और फिर केजरीवाल ने भी कहा था कि दिल्ली जो है वो पेरिस और लंदन से कम नहीं होगी, और हर आदमी को जो जहां बैठा है, यानी जो कच्ची जगह पर है, उसको पक्का मकान देने का वादा किया था। अरे जो इनके पक्के बने थे उन्हीं को उजाड़ दिया, आप इनको कहां से देंगे झुग्गी वालों को? मैं दिखाऊं एक महिला किस तरह से खुले आसमान के नीचे अपनी इस टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे देखिए खाना बना रही है, और अपने बच्चों को पालने, देखिए ये हैं वो जो कह रही हैं कि मेरा बच्चा भी खत्म हो गया। मैं इनके पास पहुंचने की कोशिश तो करता हूं कहीं से, कितने अफसोस की बात है कि इस महिला का बच्चा तक खत्म हो गया। मैं कोशिश करता हूं इन तक पहुंचने की, ये खुद कैसे चढ़ी हुई है आगे। बैठो बैठो बैठो, क्या नाम है आपका? मेरा अंजुम नाम है। अंजुम, हाथ पकड़ के खींच के निकाल दिया बच्चा लेके, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई, ऐसा निकाला घर से बाहर, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, सारा सामान टूट गया, अब हम कहाँ रहे, सारा घर तोड़ दिया। बच्चा कैसे खत्म हुआ? बच्चे जब बच्चे की ऐसी दहशत लगी उसके, रो ही रो रहा था, निराजा से चिल्ली चाल पुकार रहे थे घर से, हाथ पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे सारे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के डंडे भी मारे उन्होंने टांगों में, नहीं निकल लेते तो। कितना बड़ा बच्चा मेरा था? मेरा बच्चा 2.5 महीने का था, और इतना रोया वो खत्म ही हो गया। मैं घर से भी बर्बाद हो गई, सारा सामान टूट गया, मेरा घर भी टूट गया, कहाँ रहे हम? तो अब इस टूटे हुए घर के नीचे ही बैठी हुई हो? क्या करें, ही बैठे हैं, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें? ये वाला घर है मेरा, ये सारा देखो फ्रिज व्रिज सब टूटा पड़ा है। ये सोचिए छोटी सी जगह थी, एक पड़ोस पे ये मकान टूटा, 1 रुपए करके जोड़ा था, हा? वो भी सारा टूट गया, कहाँ जाए, क्या करे, सरकार कुछ भी नहीं देख रही, इधर आके मदद भी नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहे। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, इनके लिए खाना भी ये यहीं पर ही दुखियारी माँ बना रही है। सोचिए तो सही जरा,
कहाँ है सांसद, कहाँ है विधायक, कहाँ है यहाँ के कॉरपोरेटर, जनता की नुमाइंदगी करने वाले आज जनता को ही ठग करके भाग लिए। जी क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा घर तोड़ दिया इधर से भी, ये सब दीवारें निकाल दी, यहाँ भी बुलडोजर चला दिया, सब चला दिया सर। कितने बच्चे कितने बड़े रहते हैं इस मकान में? बच्चे हैं मेरे, ये छोटे छोटे से 3-4 बच्चे हैं, रहते हैं हम यहाँ इसी में ही। अब सारा खराब कर दिया, सारा बेकार कर दिया सर, बहुत बुरी हालत। लेंटर पे बना हुआ था? हाँ जी लेंटर पे बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल बेकार कर दिया, बहुत परेशानी करी। ऊपर जा जाके कमरों में से दीवार भी निकाल निकाल के, हथौड़ों से निकाल निकाल के आए हैं ऊपर कमरों में से दीवार, नीचे से बुलडोजर तोड़ा, ऊपर कमरों में जाके हथौड़ों से लेबर गई है, हथौड़ों से निकाल निकाल के आए हैं। और हमने बोला कि ऐसा मत करो, तो ये कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी, हम तो पूरी करेंगे ड्यूटी, अगर ज्यादा करोगे तो मारने के ऑर्डर नहीं है, नहीं तो मार कर भी जाते आपको, इसी में दबा कर जाते हैं, ये बोल रही थी पुलिस भी। बताइए, ये बोल रही थी। इस तरीके की बात इन महिलाओं से कही गई है, इनको इस तरह से डराया गया, किस तरह से धमकाया गया, और उसके बाद यहाँ सब कुछ तोड़ करके पूरी की पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया, मलबे के ढेर में इसको तब्दील कर दिया गया। न छोटा देखा न बड़ा देखा, आज सब बाहर आ गए। हाँ जी, मैं इस घर का मालिक हूँ। अब मालिक कहाँ से रह गए? अब तो आपको ही इससे बाहर कर दिया गया। जी सर। हाँ मैं तो ऑफिस गया हुआ था, मैंने देखा ये बच्चे आपके ही हैं? मेरे ही बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए तो सही जरा। इन्हीं का वो छोटा 2.5 महीने का बच्चा था जिसको बता रही है माँ, ये उसके बाप थे कि मर गया, उसकी डेथ हो गई। आगे की तरफ बहरहाल चलता हूँ लेकर आपको, इन्हीं पथरीले रास्तों से किसी तरह से दिखा सके। इस मकान का भी है हिंदुस्तान लाइव पर जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाले जो फतेहपुर बेरी है सतवरा, और ये जो जगह कहलाती है ये गांव है पूरा, जो कि खड़क गांव के नाम से जाना जाता है। और पूरे गांव को ऐसे बुलडोज कर दिया गया, पूरे गांव को यहां आकर के इस हिस्से को सब तोड़ दिया गया सारा। महिलाएं बुजुर्ग बच्चे सब परेशान, और कोई इनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। और विधानसभा जो है वो छतरपुर है, जबकि जो संसदीय क्षेत्र है वो इसका साउथ दिल्ली का है। रमेश बिदोड़ी यहाँ से सांसद हैं, चिल्ला चिल्ला करके, हलक फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के वो सदन में मीडिया के कैमरों पर चिल्लाते तो हैं, लेकिन आज जब ये लोग चिल्ला रहे थे, जब आज इनको जरूरत थी तो उस वक्त में नहीं आए, इनकी चीख नहीं सुन सके, ना ही इनकी दर्द को महसूस कर सके। देख सकते हैं इस वक्त का मैं आपको ये लॉन्ग शॉट दिखा रहा हूं, पूरी तरह से सब तबाह हो गया, ये सब खत्म हो चुका। हाँ अम्मा, हम गरीब आदमी है, तिनका तिनका जोड़ के हमारे बच्चों ने कराया, हम बीमार दोनों आदमी, हम हार्ट के बीमार हैं। हाँ। निकाल दिए गए बाहर। हाँ। रोते झींकते चिल्लाते हम बाहर चले गए, भैया उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ना करी, हमें तो निकाल के बाहर कर दिए भैया। अब हमारी सब ये घर घर हमारा सब टूट तोड़। अम्मा शादी होकर यहीं आई थी आप? ना भैया। कितना टाइम से हो यहाँ पर? 9-10 साल हो गई भैया। 9-10 साल से आप यहाँ हो? उससे पहले कहाँ थे? सियाने की सियाना है हमारा। अच्छा, फिर यहाँ आकर जगह खरीदी होगी ना? खरीदी, फिर बनाया, फिर बनाया होगा, बनाया भैया फिर हमने। हाँ। और फिर बनाया भैया हमने, तोड़ के चले गए, हमारे निकाल कर बाहर कर दिया। अब इस दुख बीमारी में, इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? बुढ़े आदमी कहाँ जावे अब हम यहाँ से? बिल्कुल, इसके ऊपर छत तक सब तोड़ दिया, सब हथौड़े मार गए। हाँ। चाहता हूँ कहीं से आपको ऊपर से शॉट दिखा सकूं जाके। जीना है, मैं एक नजर जरूर चाहूंगा कि मैं आपको एक बार ऊपर से इस पूरी बस्ती का शॉट दिखा सकूं। इन्होंने देखिए कितने पक्के मकान मजबूती के साथ बनाए हुए थे, ये जब बन रहे थे घर तब उस वक्त इनको नजर नहीं आया था, प्रशासन को, सरकारों को, किसी को दिखाई नहीं दिया उस वक्त में। ऊपर आइए, उस वक्त किसी को दिखाई नहीं दिया, और अब जब ये बनकर के सारा तैयार हो गया, ये लोग रहने लगे, इनके बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए इन पक्के घरों के अंदर, तो यहाँ फिर उसको बुलडोज कर दिया गया। ये दिखा दूँ आपको, ये खड़क गांव की तस्वीर है। एक एरियल शॉट दिखाने के मकसद से मैं यहाँ ऊपर आया हूँ। ये देखिए,
जिस मकान की छत पे चढ़ा हूँ, ये भी आधा हिस्सा इसका टूट गया और बाकी के इन घरों को भी आप देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ये आप पूरे तस्वीर देखें इस बस्ती की और उजड़े हुए इन आशियानों को देखें, जहाँ पर इन्होंने तिनका तिनका जोड़ करके घर को अपने बनाया था। इसी पर ही वक्त गुजार रहे हैं ये लोग, यहीं पर ही रहने को मजबूर हैं। मकान के सामने की दीवार देखें, अंदर कमरों का हिस्सा देखें, ये सब कुछ तोड़ दिया। और कई लोगों के तो घरों को इतना भी रहने के लायक नहीं छोड़ा कि वो, ये देखिए आप, पूरी तरह से ईंटें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई इमारतें हैं, जो सब ख़त्म हो गया। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ बनाए होंगे अपने इन घरों को, और आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के एमपी साहब का पता ही नहीं बिदुड़ी कहाँ पर हैं, आकर पूछते तो सही। जब घर बन रहा था तब उस वक्त आकर के रोकते तो सही, अब जब लोगों ने बना लिया तो उसके बाद फिर ये हाल कर दिया। आप लोगों ने कांटेक्ट करा क्या? मैं आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार जी। लक्ष्मण, आप लोगों ने बात करी क्या बिदुड़ी से, पूछा, या आपने यहाँ के विधायक से बात करी, कुछ कह पाए आप लोग? जी, विधायक से तो बात करे, विधायक खुद ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश अभी तक दिख नहीं रहा। किस तरह की अली, ये किस तरह की कोशिश है? ये बिदुड़ी जी आए थे छठ पूजा वाले दिन, हाँ, तो हमारे पांडे जी उन्होंने उनको बुलाया था, तो जब हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, हिंदू मुस्लिम जब वहाँ सब पहुँचे, हाँ, तो बिदुड़ी जी ने बोला कि मैं तुम्हारी बस्ती के लिए यहाँ बोलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे अपने छठ त्योहार पे यहाँ आया हूँ। अच्छा, बस्ती के लिए बोलने नहीं आया हूँ तो कौन बोलेगा? बस्ती के लिए अगर कोई बात करनी तो मेरे दफ्तर आओ, और कह के माइक फेंक के और चले गए। अच्छा, हाँ, उनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? हिसाब से हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि सर हमारी सुन लीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। क्या कहा आपसे? बस यही काम, ये सिर्फ पूजा के लिए आए, बाकी और कोई चीज नहीं है, जो भी बात करना आप हमारे ऑफिस आइए। वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोगों ने बोला कि ये संतोष नाम है आपका? लक्ष्मण, लक्ष्मण कुमार। हाँ, जो ये त्योहार है, हम तो त्योहार भी दीपावली भी ठीक से नहीं मना पाए, हाँ, आप हमारी बस्ती के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी कुछ गरीब जो ये मकान टूटे कुछ हेल्प करो, इसके लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आप मेरे दफ्तर आओ, वहाँ आके मेरे से बात करो। बिल्कुल, बोल के चले गए वो। अब आपने समझा, सियासत के पैमाने को जरा अपनी नजरों से भी भांप करके देखिए। मेरे साथ यहाँ लक्ष्मण कुमार जहाँ खड़े हैं, इनका घर तोड़ दिया गया, वहीं साथ में अली भी खड़े हुए हैं, इनका भी अपना पक्का मकान तोड़ दिया गया। अब क्या अली में और लक्ष्मण में फर्क है? दोनों के साथ एक जैसा रवैया इख्तियार किया गया। अब कहाँ गए वो हिंदुओं को बचाने वाले और मुसलमानों को घरों को गिराने वाले? यहाँ तो दोनों ही के घर गिरा दिए। सोचिए तो सही जरा, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या इस नाम पर सियासी रोटियां सेकते हैं, मलाई खाते हैं, जनता का बहुमूल्य उनका कीमती वोट हासिल करते हैं, डूब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, असल में ये सिर्फ इंसान है, बिल्कुल भाई भाई की तरह मिलके रहते हैं, इनका घर नहीं बचा सके। इनके त्योहारों में हम शामिल होते हैं, हमारे ईद बकरीद भी ये शामिल होते हैं, दोनों शामिल होकर सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे में, बिल्कुल। और घर गिरा दिए गए, ये तो सोचिए जरा। और आज जब इन्होंने सांसद से पूछा, रमेश बिदुड़ी से, तो बिदुड़ी ने कह दिया कि मैं यहाँ छठ पूजा के कार्यक्रम में आया हूँ, मैं तुम लोगों के जो घर गिरे हैं या बुलडोज किए गए हैं उसकी फरियाद सुनने नहीं आया, अगर आना है तो मेरे दफ्तर में आके बात करो। शर्म शायद तुमको जरा नहीं आती, चाहे रमेश बिदुड़ी हो भाजपा के या फिर यहाँ के MLA करतार सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, जरा शर्म नहीं आती। इनको कोई बचाने वाला है या नहीं, ये अब आने वाली जनता वक्त का तय करके फैसला करेगी कि आगे किस तरफ दिशा और दशा बदलेगी और कहां तक जाकर के ये मामला रुकेगा। पता नहीं इसके बाद और कौन सी बस्ती होगी, नहीं मालूम इसके बाद और कौन से नुक्कड़ चौक चौराहे को मलबे के ढेर में ऐसे ही तब्दील कर दिया जाएगा, जहां जाकर के आपको, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई तस्वीर आपको दिखाई जाए, लेकिन मजबूर हो गए हैं हम भी। कभी किसी जगह पर बुलडोजर भेज दिया जाता है, कभी किसी गांव को तबाह कर दिया जाता है, कभी इलीगल बने हुए मकानों के नाम पर, इमारतों और बिल्डिंगों के नाम पर पूरी पूरी घरों को, बस्तियों को गिरा दिया जाता है।
क्यों नहीं बनाया जाता? बता रहे हैं 1650 घर हैं, 7000 की आबादी है, 7000 की आबादी है, 1650 घर हैं, यानी 1500 से ज्यादा आप सोचिए मकान हैं, सब पक्के बने हुए हैं, मुझे एक भी झुग्गी कहीं नजर नहीं आई। और फिर ये कहीं खड़ंजा नहीं है, कच्ची सड़क नहीं है, कोई खपरेल का रास्ता नजर नहीं आ रहा, ये तो पक्की सड़क है, इसको क्यों बनाया गया? ये आप देख रहे हैं RCC की सड़क बनाई गई आवाम के पैसे से, सरकारी पैसे से बनाई गई थी सड़क। क्यों बनाई गई थी? जब यहाँ मकान थे, लोग रहने वाले थे, तभी तो बनाई गई थी। आज बोरिंग किया गया, ये बताते हैं मुझे कि यहाँ पूरी बस्ती के अंदर पानी पहुँचाने के लिए, घर घर पानी देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा पानी के लिए बोरिंग कराया गया। क्यों कराया गया था जी? क्यों बनाए थे? इनके आधार, इनके राशन कार्ड, इनके पासपोर्ट, इनके वोटर आई कार्ड, क्यों वोट लिया था इनसे जी? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, और यही सवाल करना चाहता हूँ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी। इनको बचाइए, और कम से कम इनके सिरों से जो छत ये उजाड़ी हैं, किसी तरीके से इनका पुनर्वास का, इनके रिहैबिलिटेशन का निश्चित तौर पर कोई ना कोई ठोस समाधान जरूर निकालिए। आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर पर खड़क गांव से जुड़े साउथ दिल्ली से, आप सबका बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस इतनी ही उम्मीद करूंगा कि कुछ हद तक इन गरीबों की मदद हो जाए, इनके आशियाने इनको मिल जाएं, या अगर जो जगह इनसे ली जा रही है, जो छीनी जा रही है कहूंगा, जहां ये 15-15, 20-20 साल से मौजूद हैं, जहां इनकी नस्लें और इनके बच्चे मौजूद हैं, आज इनके लिए अगर इस जगह को लिया जा रहा है इलीगल कहकर के, अनऑथोराइज कहकर, तो इनको कहीं बसाया भी तो जाए, अगर उजाड़ा जा रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया। YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। Facebook पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।